प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के इस कैबिनेट में कुछ चेहरे पुराने तो कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों को दिया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के मंत्री थे। वहीं बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी फिर से एक बार नितिन जयराम गडकरी को ही दी गई है। नितिन गडकरी की बात करें तो उनके शानदार प्रदर्शन से उन्होंने 10 साल तक एक ही मंत्रालय में मंत्री रहकर कार्य संभाला है। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी और सुखद खबर ये है कि नितिन गडकरी के साथ अब अजय टम्प्टा का भी नाम जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 कैबिनेट में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्प्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम तो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्यार और आशीर्वाद से उन्होंने मुझे संसद में काम करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास काम करने के लिए दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के कारण से मुझे सरकार में काम करने का भी अवसर दिया है। और मेरी जानकारी में अभी जैसा आप सबकी जानकारी में भी आया है कि मुझे रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी है MOS के नाते से। माननीय ये काम को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से, उत्तराखंड राज्य से, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी जिस शुरुआत को उत्तराखंड राज्य से किया, ऑल वेदर रोड को, जो आप चारों धाम आप कनेक्टिंग देख रहे हैं, और मैं तो ऐसे क्षेत्र से था जहां कैलाश मानसरोवर तक रोड जाना, लिपुलेख दर्रे तक रोड जाना, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर तक रोड जाना, तो ये अपने आप में कभी कभी हम सोचते थे कि होगा, ये संभव नहीं होगा, जहाँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन लोग पैदल जाते थे, तो आज मेरी वहाँ तक रोड पहुँची और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भारत के अंतिम गांव गुंजी तक आए। अजय टम्प्टा के राज्य मंत्री बनने से एक तरफ जहां लोगों में खुशियां हैं, तो वहीं उत्तराखंड की जनता भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है जो टूटे फूटे सड़कें हैं और जिन सड़कों की हालत खस्ती है, अब उन सड़कों पर गाड़ियां फरांटेदार रफ्तार से चलनी तय मानी जा रही है। मंत्री बनने के बाद अजय टम्प्टा ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी उन्होंने मुलाकात की। टम्प्टा को मंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई और अपने हाथों से मिठाई खिलाई, तो वहीं डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने भी उनके शासकीय आवास पहुंचकर उनको बधाई दी और अपने हाथों से मिठाई खिलाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जहां बात कही जाती है तो उनका काम न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में डंका बजता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की देन है कि उन्होंने उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाई है, जो पूरे देश भर को रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम जिस गति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चला है, और सौभाग्य से नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से हम सब लोग देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक भारत के लिए, विकास के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहले पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब हम 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ, जब मैं उत्तराखंड राज्य में मंत्री था और तब मुझे, जब माननीय नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य लिया गया और स्वयं मैं नितिन गडकरी जी के साथ बहुत सालों तक, अभी भी जब मैं मंत्री रहा हूँ इससे पहले, तो नितिन गडकरी जी के साथ मैंने काम किया। तब मनसुख भाई मांडलिया जी MOS थे नितिन जी के साथ, तो मैं उनको लिपुलेख दर्रे तक लेकर गया हूँ, मनसुख भाई मांडलिया जी को, तो इसलिए मेरा तो बहुत अच्छे, मतलब मेरे को एक प्रकार से उनकी जो विजनरी सोच है, मेरे संसदीय क्षेत्र में जब मैं विधायक था तभी स्वयं खुद उनका आना हुआ है, तो अपने आप में मुझे अच्छा लगा कि मेरे को ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, हर गाँव को, हर क्षेत्र को, हर स्टेट को, पूरे देश को जोड़ने का काम है, दूरी कम करने का काम। अब उत्तराखंड की जनता
अजय टम्टा को मंत्री बनाने के बाद टकटकी लगाकर देख रही है कि उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्रों में कब विकास होगा। एक तरफ जहां अजय टम्टा उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में विकास होने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालत ये है कि उत्तराखंड में कोई भी गर्भवती महिला हो या कोई बीमार बुजुर्ग हो, उनको सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। उत्तराखंड में सड़क दुरुस्त न होने के कारण अब तक कई गर्भवती महिलाओं के एम्बुलेंस में ही बच्चा पैदा हो चुका है। अजय टम्टा के परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड की जनता अब ये मान रही है कि उत्तराखंड का प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ जाएगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या अजय टम्टा अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे? सीमांत के क्षेत्र में हर घर तक सड़क पहुंचा पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज़। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।